नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करें। जी हां दोस्तों, अब जो है फ्लिपकार्ट भी आपको 5 लाख तक का लोन दे रहा है। दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इस वीडियो में जो है लाइव प्रूफ के साथ पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके दिखाऊँगा। वो बैंक अकाउंट में कब तक आता है, कैसे बैंक अकाउंट में लिया जाता है, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने जो है इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई किया था तो मुझे यहां पर 1,46,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, जिसको मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। तो मैं आपको जो है लाइव प्रूफ यहां पर बताने वाला हूं कि इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका अगर सिविल स्कोर कम है, फिर भी आपको जो है इस एप्लीकेशन में अच्छी खासी अमाउंट में यहां पर लोन मिल जाता है। और इसकी जो ईएमआई बनती है वो आप अपने मन चाहे ईएमआई बना सकते हैं, 12 महीने की, 6 महीने की, 36 महीने की, उससे ज्यादा भी आप यहां पर अपनी ईएमआई को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके लोन अमाउंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका लोन अमाउंट कम होता है तो आपको यहां पर जो है कम महीनों का समय मिलता है, यहां पर मिनिमम आपको जो है 6 महीने का समय मिल जाता है। 6 महीने से पहले आप जो है अपनी यहां पर ईएमआई को पे नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ही आपको जो है यहाँ पर ईएमआई बनानी पड़ती है। तो ये एक जो है आपके लिए अच्छी ही बात है। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे जो है इसमें अप्लाई किया जाता है। तो उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथ में घंटी वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजाना इस तरह के काम के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको जो है अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपने जो है अभी तक उसको अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आप जो है इसको प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ये नया फीचर आया है, हो सकता है आपने अपडेट नहीं किया तो आपके में ये शो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर नीचे जो है एक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहां पर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपको जो है क्रेडिट ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपको जो है ऊपर लिखा मिलेगा पर्सनल लोन, गेट लोन अप टू 5 लाख इंस्टेंटली। तो यहां पर आप जो है 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और यहां पर दोस्तों आपको जो है एक्सिस बैंक का यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपको फ्लिपकार्ट में पर्सनल लोन मिल रहा है ये दोस्तों एक्सिस बैंक के द्वारा आपको दिया जाता है। आप चाहो अगर आपको जो है इसमें नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली जो है axis.com पे आप जाकर पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर पर्सनल लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पर्सनल लोन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर 3 स्टेप को पूरा करना होता है, उसके बाद में यहां पर जो है लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप आपका यहां पर बेसिक डिटेल का रहेगा, जैसे कि आप अपना यहां पर जो है पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा, इसमें आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालना है और यहाँ पर आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अगला स्टेप जो है आपके सामने ये वर्क डिटेल्स का आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है। अगर दोस्तों आप सैलरीड हो तो आप यहाँ पर सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आप अपना यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर सैलरीड हो, सैलरी बेस पर कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल जाता है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आपको यहाँ पर कम अमाउंट में लोन मिलेगा, आपका सिविल स्कोर कम होगा और आपके अगर मंथली इनकम आती रहती है अगर आपके अकाउंट में, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर सैलरी बेस पर काम करता हूँ तो मैं यहाँ पर सैलरी को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद में यहाँ पर अपना कंपनी का नाम डालेंगे, यहाँ पर आपकी मंथली इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर डालेंगे और व्यू लोन ऑफर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके क्रेडिट स्कोर को चेक किया जाएगा, उसके बाद में ये स्टेप जो है आपको 10 सेकेंड के लिए वेट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी लोन अप्रूव होगा वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, यू आर गुड टू गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे जो है 1,46,000 रुपये का यहाँ पर लोन अप्रूव हुआ है। तो उसको लेने के लिए आपको यहाँ पर जो है
कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप जो है अपने पैसे को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर 1,46,000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है, तो मैं इसको जो है इस तरह से कम भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप जो है अपने मन चाहे ईएमआई को भी बना सकते हैं। 36 महीने की बनाएंगे तो आप यहाँ पर 3655 रुपये पर मंथ की ईएमआई बनेगी, 33 महीने की बनाएंगे तो 3900 रुपये की बनेगी। इस तरह से आपको यहाँ पर सभी महीने की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। व्यू मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको और भी प्लान मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है लोन अमाउंट 50,000 रुपये सिर्फ लूंगा, तो मैं इसको कम कर लूंगा और उसके बाद में व्यू मोर प्लान्स के ऑप्शन पर क्लिक करके 6 महीने को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। लोन अमाउंट मेरा यहाँ पर 50,000 रुपये है और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देख सकते हैं 18% यानी कि 1,180 रुपये। और यहाँ पर जो है कुछ स्टैंप ड्यूटी का यहाँ पर चार्ज आ रहा है 20 रुपये। जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे वो यहाँ पर 48,800 रुपये भेजे जाएंगे। इंटरेस्ट जो है यहाँ पर आपको लगेगा 14% का। आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो यहाँ पर 8,670 रुपये यहाँ पर लगेगी पर मंथ की, और 6 महीने में आपको लोन रीपेमेंट करना होगा। फर्स्ट ईएमआई जो आपकी बनेगी वो आपको यहाँ पर डेट शो हो जाएगी, लास्ट ईएमआई आपकी कब की है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर सारी डिटेल को पढ़ लेने के बाद में आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर जो है आपको लास्ट स्टेप अपना ई मैंडेट करना होता है, ऑटो सेटअप करना होता है, यानी कि जो आपकी ईएमआई बनती है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले आप अपने यहाँ पर बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप जो है अपने नेट बैंकिंग यहाँ पर अपने ई मैंडेट किस तरह से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से, वो अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद में अपना यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा और ओटीपी डालूंगा। ओटीपी डालने के बाद में यहां पर मेरा ई मैंडेट जो है सक्सेसफुली यहां पर ऐड हो जाता है। उसके बाद में यहां पर दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहां पर सबमिट हो जाती है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 घंटे के अंदर ये अमाउंट जो है मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर जो भी आपको लोन मिलता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी डिटेल मेरी फिल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे का मैं वेट कर लेता हूँ, उसके बाद में लोन जो है मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है फ्लिपकार्ट में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।